हेलो एवरीवन, मॉर्निंग हो गई है और मैं चाय बना रही हूँ। किचन में आ चुकी हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। चाय हमारी बन जाएगी तो फिर बैठ कर पीते हैं साथ में, ठीक है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपकी अनु, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं अनु बड़ाना। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग का मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं आप लोगों के साथ में अपना व्लॉग शुरू कर चुकी हूँ। तो आज मुझे जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो अभी चल रहे हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। सेकेंड डोज, तो ये हमारी सेकेंड डोज है, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है? और मैं जा रही हूँ और फिर बिल्कुल बनी रहूंगी आपके साथ में, आप भी कहीं मत जाइएगा। तो ये देखिए मेरी आउटफिट ऑफ द डे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही है। तो चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि हमने ना मॉर्निंग का ही स्लॉट बुक किया था, वही टाइम हमारे लिए प्रेफरेबल है, तो लेट हो जाएंगे फिर। जल्दी से चलते हैं फटाफट से, और जल्दी की वजह से ही सुबह उठ के मैंने सारे काम खत्म कर लिए अपने मॉर्निंग के, क्योंकि फिर ना भीड़ हो जाती है, लोग मतलब अपने काम करके कुछ छोड़ करके ऐसे ही आ जाते हैं, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्या फायदा हुआ फिर जल्दी से बुक करने का। तो चलिए फिर। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ और बाहर आके देखो कितनी गर्मी हो रही है अभी, मतलब सुबह के टाइम इतनी धूप होनी शुरू हो जाती है, ये देखिएगा। और आज हमको रिक्शे से जाना है क्योंकि हस्बैंड घर पे है नहीं और उनको आने में टाइम लगेगा। फोन पे बात हुई थी मेरी, तो कह रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, तो हमने मतलब स्लॉट हमारा बुक हो गया था सुबह का, और जानवी का मतलब ट्यूशन भी है तो उसको टाइम नहीं मिलेगा फिर, तो इसलिए हम चलते हैं फिर। चलो हस्बैंड के साथ दोबारा से लेके जाऊंगी उनको। और ये देखिएगा यहाँ साइड में कितनी ग्रीनरी है ना, कितना अच्छा लगता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है। और ये देखो ये सामने की तरफ साइड में जो है, यहाँ ये मिट्टी के बर्तन मिलते हैं यहाँ पर, जो हमें चाहिए होता है तो हम यहीं से लेकर जाते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत पुरानी शॉप्स हैं ये, काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए हूँ कम से कम। तो ये देखिएगा बातों बातों में हम पहुंच भी गए हैं, पता भी नहीं चला टाइम का। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं फटाफट से। ये देखिएगा यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि मॉर्निंग हुई है तो कुछ लोग हैं जो हमारे आगे आगे मतलब चल रहे हैं, ये भी वैक्सीनेशन के लिए ही जा रहे हैं शायद। और देखिएगा कितनी मतलब साफ सफाई भी कितनी है ना हॉस्पिटल का, तो मतलब ये मेन होता ही है कि हाँ भाई साफ सफाई होती है, बट किसी किसी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं होती है, होनी चाहिए, तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए हॉस्पिटल्स में तो खास करके। और ये देखिए यहाँ पे होगा वैक्सीनेशन, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, ज्यादा लंबी लाइन नहीं है तो छोटी सी ही लाइन है, तो चलिए फिर करवाते हैं अपना वैक्सीनेशन। और ये देखिएगा मेरे को जो लग गया है और जानवी का नंबर आ गया है, अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, मुंह बना रही बैठी हुई तरह तरह के। तो देखिए लग गई है हम दोनों को वैक्सीन, और पता है क्या, ज्यादा टाइम नहीं लगता है वैक्सीन लगने में, बट जब लाइन लंबी होती है तब ज्यादा टाइम लगता है। अब लाइन लंबी तो थी नहीं, छोटी सी लाइन थी हमारी, तो हमें तो सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है वैक्सीन लगने में। तो चलिए अब घर चलते हैं। और ये देखिएगा मैं हॉस्पिटल के बाहर आ गई हूँ, और यहाँ साइड में ये भैया खड़े हुए थे, यहाँ भुट्टा बेच रहे हैं ये, तो भुट्टा तो मेरी वीकनेस है आप लोग जानते ही हो, तो मैं भुट्टा ले लेती हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं घर। और यहाँ साइड में भुट्टे वाला ही नहीं, यहाँ पे जूस वाले भैया भी खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो बेच रहे होते हैं कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के पास में, तो मतलब होना भी चाहिए, किसी को कोई वीकनेस हो रही है फील या फिर कुछ भी है तो फिर मतलब ले सकते हैं ना, तो इसलिए ये देखिएगा यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, जूस वगैरह भी बिक रहे हैं यहाँ, तो हम रिक्शा ले लेते हैं और रिक्शा लेके चलते हैं जल्दी से घर पे, और देखती हूँ अगर हस्बैंड आ गए होंगे तो उनको भी लेके आना पड़ेगा अभी साथ के साथ। अच्छा लग रहा है।
वहीं पे उतार देना और छोले कुलचे वाला एक्स्ट्रा। तो ये देखिएगा साइड में बिजली घर है और इसके पास में गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा जाने का मेरा बहुत मन है। गई नहीं हूँ अभी, किसी दिन विजिट करूंगी तो आपको जरूर लेकर चलूंगी और बहुत जल्दी विजिट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, हम वैक्सीनेशन करा के आ चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। पानी हमारे किसी काम नहीं आया। आप ही <देखे। laughs> तो गाइज मैं आ चुकी हूँ वैक्सीनेशन करा के घर पे और हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जब इंजेक्शन लगा था तब थोड़ा सा हुआ था और सेकंड डोज हमारी पूरी हो गई है वैक्सीनेशन की। फुल्ली वैक्सीनेटेड और हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और आप लोग भी लगवा लीजिए। अगर आपने नहीं लगवाई है तो जल्दी से जल्दी लगवा लीजिएगा, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा आज का, मतलब सेकेंड डोज का, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी तो बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज हम दोबारा से जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, हस्बैंड की वैक्सीनेशन कराना है। हमारा तो हो चुका है और उनको पता भी नहीं है कि हम लोग लगवा के भी आ गए हैं। सरप्राइज है उनके लिए। शॉक, सरप्राइज नहीं, शॉक। वो घर पे आ चुके हैं हस्बैंड और हम लोग चल रहे हैं, बस ये आ गए। ये देखिएगा, आ जाओ। चलो और यहाँ पे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे कि आधार कार्ड लेके आई है। मैंने कहा हाँ लेके आई हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मतलब मैं और जानवी दोनों लगवाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि वो मना कर रहे थे सुबह, वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगवानी है, मुझे मतलब कोल्ड हो रखा है तो अभी नहीं लगवाऊंगा, बाद में लगवाऊंगा। तो मैं तो इनको बहका कर लेके आई हूँ। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, अंदर जाके पता चलेगा। तो आप लोग देखते रहिएगा। अभी डैडी का पोपट टूटने वाला है, कुछ नहीं गाइस बोल रही हूँ। अभी हमारा पोपट होने वाला है, हमारा भी डैडी का हमारा ही हो जाएगा। अभी डांट पड़ेगी तो इधर नहीं नहीं आगे कहीं भी भाग जाती है। तो लीजिए यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब देखते हैं अंदर गए हैं हस्बैंड वैक्सीन लगवाने के लिए। तो गाइज हो चुका है हस्बैंड का भी वैक्सीनेशन और उनको मैं बहका के लेके आई थी। मतलब मैंने बोला, मैंने कहा मैं भी कराऊंगी, अभी मैंने कराया नहीं है तो मेरे साथ आ भी गए और मना कर रहे थे कि मुझे नहीं कराना है, अभी बाद में करा लूंगा। बट मैं ले आई उनको और अब मुझे डांट पड़ने वाली है, पता नहीं कितनी तकड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे को ढूंढ रहे अंदर बैठ के कि अनु को लगवानी है, बुला के ले आ जल्दी से जल्दी ले, अपनी मम्मी को बुला के ले आ। अब देखो क्या रिएक्शन होने वाला है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, देखेंगे आप लोग। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में आफ्टर वैक्सीनेशन रिएक्ट देखने के लिए। और ये देखिएगा साहब बहुत गुस्से में है, आगे आगे भागे जा रहे हैं। देखो देखो चाल, देखो इनकी गुस्से में पूरे गर्म हो रखे हैं, रेड हो रखा था फेस, मुझे डर लग रहा था।
मुझे ना एक बार तो बिल्कुल ऐसे लगा था, मैंने कहा ये बीच हॉस्पिटल से भागने वाले हैं अगर इनको ये पता चल गया कि मतलब मैं वैक्सीनेशन करा के चली गई हूँ। बट अच्छा रहा कि इनको एंड टाइम तक नहीं पता चला, लाइन में लगे हुए थे तो बार बार मुझे बोले जा रहे थे, कह रहे थे कि इधर आ जा इधर आ जा, तो मैं पीछे हो रही थी बार बार। मैंने कहा मुझे अंदर जाना नहीं है क्योंकि फायदा नहीं है भीड़ लगाने का, तो और लोग हैं उनको भी मतलब लाइन में लग रहे थे वो बेचारे, वो मेरे बाद खड़े होते तो क्या अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं बार बार यही कह रही थी कि नहीं चलो आप आ रही हूँ मैं, चलो आप आ रही हूँ मैं। बट अब मुझे डर लग रहा है, मुझे बोल रहे थे कि बहुत मतलब बहुत तेज बनती है अपने आप में, झूठ बोल कर लेके आई मैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे लाइन और ज्यादा लंबी होती जाएगी। ऋतिक से पूछा था मैंने, तो कहा लगा हाँ लगाऊंगा अभी ना, मैंने कहा आज लगवाइए भाई, इतना बात मेरे को तेरी मर्जी भाई, हम कह ही तो सकते हैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सके, तेरे डैडी पता फिर भी बस चलता है तेरी जबरदस्ती ले भी आई मैं उसे थोड़ा लगा सकूं जबरदस्ती। ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया था। अच्छा मस्त कूलर की हवा में बैठ के रेडी आपको मम्मी लेने लायक नहीं है। अच्छा रोटी चिली फ्लेक्स। मम्मी आपको फीवर होएगा क्या? तो गाइज आज का दिन जो है मेरा बहुत बिजी रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, और वैसे फीवर तो मुझे नहीं हुआ है वैक्सीनेशन के बाद में, बट थोड़ा सा मतलब हेडेक हो रहा है। और तो चलिए फिर अब आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो 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 झाके मत देखो, वीडियो बन रही है। बाल कैसे हो रहे हैं? चश्मा लगा के चलेंगे।